फाइनेंस के लिए 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 28, 29 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 19-20 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। एजुकेशन और स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 8, 9, 10, 19, 20 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 13, 14 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 11, 12 दिसंबर का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 13, 15, 16 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 24, 25 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रह सकता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए जेमिनी असेंडेंट्स के लिए दिसंबर 2023 के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने में होने वाले प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। तो सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और ये 31 दिसंबर तक यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में आपके 5th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक ये आपके 6th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं हाउसेज वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे 27 दिसंबर 2023 तक, ये जो समय रहने वाला है ये समय आप अगर अपने पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई समय स्पेंड करते हैं, कोई नए पार्टनर आप इस समय में बनाना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके पार्टनर का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अपने पब्लिकली आपका नेम फेम इस समय में बढ़ने वाला रहेगा, हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी। इसके साथ साथ मान सम्मान इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य हैं उन सभी कार्यों को, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई कार्य है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, उन सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आप और आपका स्पाउस या आपका पार्टनर, जो भी अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर है, काफ़ी टेक्निकल हो गया है और इस समय में आपको अच्छे अच्छे गैजेट का प्रयोग करना, आईटी से रिलेटेड चीज़ों का प्रयोग करने से लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस और इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। देखिए, सेकंड हाउस बताता है कि ये समय आपका आपके परिवार के साथ एक आनंददायी और यादगार समय रहने वाला रहेगा। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, सभी प्रकार से अच्छे फाइनेंस का लाभ होना, धन संचय करने के अवसर आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। वाणी काफ़ी सौम्य रहेगी, अच्छी वाणी के माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को भी करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे, इसके बाद ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, 15 दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है ये समय आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके अंदर गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका भाइयों के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसे आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे 15 दिसंबर 2023 तक। इसके साथ साथ इस समय में आपको गवर्नमेंट की साइड से कोई या गवर्नमेंट के लिए कोई छोटी दूरी की यात्रा करने से लाभ दिखाई देता है। विशेष तौर से इस समय में आपको अपने नौकर चाकर से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में केतु ग्रह और फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा
ये समय आप अपने स्पाउस के साथ घर, परिवार, व्हीकल और आपकी माता जी का भरपूर सुख और लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी भरपूर लाभ इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। माता जी की बात की जाए तो माता जी इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगी। दान पुण्य करना, धार्मिक विचार उनके होना, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने पर उनका रुझान रहेगा और आप उनके इन सभी कार्यों को पूर्ण करा करके लाभ और आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके माता जी के साथ, आपके परिवार के साथ एक यात्रा कराने वाला समय भी आ सकता है। हो सकता है यात्रा कोई धार्मिक यात्रा हो। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में शुक्र ग्रह और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह अपने फिफ्थ हाउस में ही गोचर करें और फिफ्थ हाउस के ऊपर देव गुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। और देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे थोड़ा सा अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए या जातकों के लिए लालायित रह सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स से रिलेटेड चीज़ों को उन्हें ग्रहण करना यहाँ पर दिखाई देता है। मन के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत ये बजते हुए देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कुछ फैशनेबल चीज़ें, कुछ फीमेल से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी यहाँ पर खर्च करेंगे। परंतु यहाँ पर जो ये समय रहेगा 24 दिसंबर 2023 तक का ही रहने वाला है। इसके बाद का जो समय रहेगा ये चीज़ें बदल जाएंगी। फिर ये अपनी चीज़ों को फीमेल से बचा करके रखेंगे, अपोजिट सेक्स वाले लोगों से बचा कर रखें। इसके साथ साथ इस समय में ये जो भी फैशनेबल चीज़ों के लिए खर्च करते हैं ज़्यादा दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावा करने से इनके एनिमी क्रिएट हो जाते हैं। कुछ अगर आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं या व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों में शो ऑफ ना करें। शो ऑफ करना आपके लिए हानिकारक रहेगा। परंतु 24 दिसंबर 2023 तक का समय ये भी बताता है कि आप कोई नया व्हीकल परचेज करें। संतान आपकी उन्नति प्राप्त करेगी, संतान में वृद्धि होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों के अंदर आप बहुत अच्छी प्रकार से परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 24 दिसंबर तक का समय तो आपको आपके क्रिएशन के कार्यों में बहुत अधिक उन्नति और नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। आपका अलग से एक नेम फेम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके सिक्स हाउस में सूर्य ग्रह के साथ गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह 15 दिसंबर तक यहाँ पर आपके सिक्स हाउस में रहेंगे। देखिए 15 दिसंबर तक का जो समय है, आप सरकारी विभाग के व्यक्तियों के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से या अपने पराक्रम के माध्यम से अपने सभी एनिमी को दूर हटा पाएंगे। लीगल मैटर में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई एडवाइस वगैरह लेना है तो आप 15 दिसंबर 2023 तक एडवाइस ले सकते हैं। अपने किसी मैटरनल अंकल आंटी से एडवाइस लेना चाहें, किसी एडवोकेट से या लॉयर से एडवाइस लेना चाहें अपने लीगल मैटर के लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट से कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन इत्यादि के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा और इस समय में हेल्थ भी आपकी उत्तम रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई पिछले समय में प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर सही होती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके सेवन्थ हाउस के विषय में। सेवन्थ हाउस में बुध ग्रह और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड आपके इलेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करें। देखिए ये समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम, प्रॉपर्टी और अच्छे मित्रों का सुख दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से संचय करने का भी प्रयास करेंगे। कुछ RDFD इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज कर सकते हैं, उनका भी लाभ दिखाई देता है। इस समय में अगर आप कुछ पॉलिसी अपने स्पाउस के नाम से या कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने पार्टनर के नाम से करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पब्लिक के अंदर भी आप अपने आप को सम्मानित या पब्लिक के द्वारा आप अपने आप अपने लिए सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक से भी आपको सही प्रकार से लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावनाएं अब बननी शुरू हो गई हैं। उनके लिए अच्छा रिश्ता आना और आने वाले समय में उनका विवाह संपन्न हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। और जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख, सभी प्रकार से अच्छे गृहस्थ जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके एट्थ हाउस के विषय में। एट्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके नाइन्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से
या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो पिछले समय में आपने जो भी हार्ड वर्क किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप किसान भाई हैं तो आपने जो फसल लगाई थी उसका धन लाभ होना, फसल में वृद्धि होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उस संपत्ति को प्राप्ति के लिए समय भी उत्तम रहने वाला है। कुटुंब के सदस्यों में भी वृद्धि हो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। आगे बात करेंगे आपके नाइन्थ हाउस के विषय में। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, देखिए इस समय आपको विशेष तौर से कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल जैसे फॉरेन जाना इत्यादि होता है उसके लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि ट्रैवल करना आपको सभी प्रकार से थकाने वाला रहेगा, इच्छा ना होते हुए भी या ये कहें कि एक बिना बात की ट्रैवल आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कुछ ट्रैवल आप रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं, परंतु रिलीजियस ट्रैवल भी अगर आप करते हैं तो उसके अंदर डिले होना देखा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी देखी जा सकती है। और अगर आप वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 दिसंबर 2023 तक वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद का समय फिर आपके धन को फंसाने वाला रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। और भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा परंतु डिले होकर के प्राप्त होगा, देरी से होगा परंतु रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जब देरी से चीज़ मिलती है तो उसका सुख ही कुछ अलग होता है। आगे बात करेंगे आपके टेंथ हाउस के विषय में। टेंथ हाउस में राहु ग्रह और टेंथ हाउस के ऊपर केतु ग्रह की दृष्टि और टेंथ हाउस के लॉर्ड आपके इलेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड होकर के गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा इस समय अवधि में आप अपने जॉब बिजनेस या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर एक प्रभावशाली रूप से पॉलिटिक्स करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, धन प्राप्त होगा, नेम फेम प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हैं वो आपका होगा। इसके साथ साथ कोई नई कंपनी आप परचेज करना चाहते हैं, अपनी कंपनी में मर्ज करना चाहते हैं या किसी पॉलिटिकल पीपल से आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी पछाड़ने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए समय रहेगा। 27 दिसंबर 2023 के बाद का समय थोड़ा सा केयरफुल रहें इस समय अवधि में। कुल मिलाकर दिसंबर का जो महीना है ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आप सच झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, आपके सभी कार्य आसानी से यहाँ पर पूर्ण होंगे, तरक्की आपको मिलती दिखाई देती है, लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके इलेवेंथ हाउस के विषय में। इलेवेंथ हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के बृहस्पति हैं और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके सिक्स और सेवेंथ हाउस में गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में 27 दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये आपके सेवेंथ हाउस में चले जाएंगे। देखिए ये जो समय रहेगा दिसंबर का महीना, प्रॉपर्टी से भी लाभ आपको होने वाला है और प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलने वाला है, भाइयों का भी सुख आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ भागदौड़ करना पड़े, परंतु भाइयों का सुख भी मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप इस समय में अपने धन को प्रॉपर्टी के अंदर निवेश कर पाएंगे। पॉलिसी कोई लेना चाहते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहते हैं, उसका भी भरपूर लाभ मिलता दिखाई देता है। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, किसी मित्र से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। स्पाउस का और पार्टनर का भरपूर लाभ तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता ही है। कुल मिलाकर के ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा आनंददायी समय देने वाली रहेगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके ट्वेल्थ हाउस के विषय में। ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और फिफ्थ के बाद ये सिक्स हाउस में चले जाएंगे। देखिए 24 दिसंबर 2023 तक का जो समय रहेगा ये समय आपको आपके बच्चों के लिए कुछ धन खर्ची कराएगा, किसी फीमेल के लिए कुछ धन खर्ची कराएगा। हो सकता है बच्चे की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च करा दे, उसकी एजुकेशन के लिए कुछ खर्च करा दे या उसके लिए कुछ साइकिलिंग स्कूटर बाइक कुछ भी आप या कार इत्यादि परचेज करके उन्हें गिफ्ट करें, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर धन खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी कुछ धन खर्च करेंगे। बच्चों के एजुकेशन के विषय में आप विशेष तौर से इस समय में केयरफुल रहेंगे कि बच्चे की एजुकेशन किसी प्रकार से ख़राब ना हो और बच्चे काफ़ी अच्छी एजुकेशन लेकर के अपना नेम फेम बना पाएँ।
इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन, देखिए अब धन जो खर्च होगा 25 दिसंबर 2023 के बाद का जो समय रहेगा, ये समय धन को अपने डोनेशन के कार्यों पर लगाएं आप। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार के ऊपर भी खर्च हो सकता है, तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखें। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, 1-2-3 दिसंबर का समय तो 1-2-3-4 दिसंबर का समय, देखिए ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आप इस समय में धन प्राप्त करेंगे, अच्छे परिवार, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 3-4-5 दिसंबर का समय, ये समय आपको अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से लाभ, इसके साथ साथ सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ धन लाभ हो जाए ऐसी संभावना बनती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो ये महीना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाला रहेगा। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय जो रहने वाला है, ये समय आप कोई नया व्हीकल परचेज करें, अपनी माता से कोई एडवाइस लें, धन लाभ लें, लेने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये समय परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो पेट्स इत्यादि का भी भरपूर सुख इस समय प्राप्त कर पाएंगे। 8-9-10 दिसंबर का समय, तो ये जो समय रहेगा ये समय एजुकेशन स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ साथ अगर आप किसी लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। इस इन डेट्स में जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा म्यूजिक, मूवी इत्यादि के ऊपर भी समय स्पेंड करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, स्पेंड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से भी कुछ अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 8-9-10 दिसंबर का समय संतान कंसीव कराने के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं 11-12 दिसंबर का समय, देखिए थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको कोई लीगल मैटर है तो 11-12 दिसंबर के दिन आपको अपने लॉयर या एडवोकेट से कंसल्टेशन लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपने लीगल मैटर के लिए या अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको इस समय में मिल जाएगा। किसी को लोन दिया था वो इस समय प्राप्त कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। बस इसमें केयरफुल रहने का समय जो रहेगा, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें सभी प्रकार से। इसके बाद 13-14 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 13-14 दिसंबर का समय जो मैरिड है उनके हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 13-14 दिसंबर के समय में बड़े पब्लिक समूह को आप संबोधित करें, आपको नेम फेम मिलता दिखाई देता है, पब्लिकली आपका नेम फेम बनता दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 दिसंबर का समय थोड़ा सा देखिए आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आप देखेंगे आपके सभी कार्यों में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा, परेशानी आती हुई दिखाई देगी और इस समय में आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रेस या डिप्रेशन भी रह सकता है। इस समय में आपको ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं चाहिए, डीमोटिवेट होने से बचाना चाहिए। 2 दिन का समय है, ये 2 दिन का समय आप अपने आप को बचाएं तो आगे का समय फिर आपके लिए फिर उत्तम हो जाएगा। इस समय में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से मिलना चाहते हैं या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसान भाई हैं, इस समय में अपने कार्य को पूर्ण करें। जो भी कार्य है, मार्केट में जाना है, फसल की नराई बुनाई जो कुछ करनी है वो करें। जो भी कार्य वे करते हैं उस कार्य को आज कंप्लीट करने का प्रयास करें तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 17-18 दिसंबर का समय। देखिए 17-18 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आप अगर फॉरन जाना चाहते हैं तो फॉरन जाने के लिए वीजा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा, रिजल्ट फ्रूटफुल आएगा, ये बात अच्छी है। और इस समय में अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से, गवर्नमेंट विभाग के किसी ऑफिसर से कोई एडवाइस, कोई सलाह या कोई हेल्प लेना चाहते हैं वो मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय लीजर ट्रैवल भी कराने वाला रहेगा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर यहाँ पर बनता दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ देगा परंतु डिले होकर के साथ देगा, अवश्य साथ मिलेगा। 19-20 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए उत्तम समय है। और अगर बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इन डेट्स का प्रयोग करेंगे तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। कोई नया एम्प्लॉई इस समय में हायर कर लेते हैं तो वह एम्प्लॉई आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी ईमानदारी पूर्वक
विश्वास के साथ आपकी कंपनी को अपनी कंपनी मान करके ग्रोथ कराने के लिए प्रयासरत रहेगा। समय बेहतर है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद में 21-22-23 दिसंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय 21-22-23 का समय आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ पार्टी का अनुभव आनंद प्राप्त कर पाना, धन को संचय करने का प्रयास करना, इसके साथ साथ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में धन का निवेश कर पाना यहाँ पर देखा जा सकता है। और अगर आप अपने चाचा जी या ताया जी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहने वाला रहेगा। इसके बाद 24-25 दिसंबर का समय, देखिए 24-25 दिसंबर का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है, आपका धन खर्ची होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका कुछ धन बच्चों के कुछ वस्त्र इत्यादि परचेस कर सकते हैं, कोई गोल्ड सिल्वर डायमंड या कहीं अच्छी जगह घूमने जाने के ऊपर आपका धन खर्च हो, या बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ के ऊपर कुछ थोड़ी मात्रा में धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। यहाँ पर धन खर्च होगा आपका अवश्य, क्योंकि यहाँ पर खर्चे का योग बना है। अब किसके लिए हो, आपके स्वयं की हेल्थ के लिए हो, आपके फैमिली के किसी मेंबर के लिए हो, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड के लिए हो, या किसी पड़ोसी के लिए आपको धन खर्च करना पड़ जाए, तो खर्च होने का दिन है, तो क्यों ना उस धन को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रयोग कर लिया जाए। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इसी वीज़ा, आपने टिकट या वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो फीस वाजमा होती है उसका बाद में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य चल रहा है तो उस कार्य के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। परंतु इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको इस दिन अपने धन को दान करना चाहिए। धन को दान करने का मतलब है कि धन से कोई वस्तु आप लेकर के अगर दान करते हैं, गर्म वस्त्र अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट देने वाला रहने वाला है। इसके बाद 26-27 दिसंबर का समय, देखिए 26-27 दिसंबर का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। 26-27 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके स्वयं के कार्यों के अंदर उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। हेल्थ काफ़ी उत्तम रहने वाली है। इसके साथ साथ मन के अंदर टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से कुछ नए आइडियाज़ का सृजन हो पाना देख पाएंगे, और अपने कारोबार, अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपने धन के लिए कोई योजना बनाने का समय है। इस समय को योजना बनाने के ऊपर आप प्रयोग करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कहीं करना है, उस कार्य को इस समय में करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 28-29-30 दिसंबर का समय, तो यहाँ पर 28-29 दिसंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। अगेन आपके पास धन आने के चांसेस बनेंगे। आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट किस पोजीशन में है, अगर वे अच्छी पोजीशन में है तो इन डेट्स में आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ घर परिवार का सुख काफ़ी मिलता दिखाई देता है, घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपको मिलता दिखाई देता है, वाणी का सुख आपको प्राप्त होगा, अच्छी वाणी का, जिसके माध्यम से आपके सभी कार्य यहाँ पर पूर्ण होते दिखाई देते हैं। 31 दिसंबर का समय, देखिए 31 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन भी आपके पास धन आने के योग बनेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के साथ या पड़ोसियों के साथ कोई टूर ट्रैवल पर ले जाने वाला भी रह सकता है। हो सकता है इस दिन आप कोई टूर ट्रैवल करें, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करें, कुछ नौकर चाकर का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है, उनके उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनका साथ भी आपके लिए आनंददायी रहने वाला और आपकी सही प्रकार से हेल्प और सपोर्ट प्रदान करने वाला रहेगा। इस दिन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त करें, ऐसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। तो ये था मिथुन लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।